हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अहसान और आप देख रहे हैं अहसान पोएट्री वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मेरे फॉर्म पे चिक्स को 14वां दिन है। 14वें दिन की मैनेजमेंट की बात कर लें तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोगों ने किया ये, इनकी थोड़ी सी जगह बढ़ा दी है। ये वाली जो बल्ली थी, ये वाली बल्ली तक के जो है पहले वाला पार्टीशन था, लेकिन आज हम लोगों ने पार्टीशन इनका इतना कर दिया, इतना स्पेस इन्हें और दे दिया है। वो दिया इसलिए थोड़ा सा ओवर क्राउडिंग हो रही थी, क्योंकि रात के टाइम पर जो है आप देख सकते हैं, जैसे इस टाइम पर जो है चिक्स हमारा बैठा हुआ है, पास में सब बैठ जाता है तो रात में नहीं पता चलता है। सुबह के टाइम पर भी ऐसा ही बैठा होता है तो नहीं पता चलता है ओवर क्राउडिंग, लेकिन जब दोपहर का टाइम होता है तो जब सारा बर्ड हमारा जब पूरा फैला होता है तब हम लोगों को पता चलता है कि ओवर क्राउडिंग हो रही। तो थोड़ी ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से और जो है थोड़ा लीटर ज़्यादा गीला हो रहा था, और जो है ड्रिंकर फीडर और ड्रिंकर जो हमारे थे वो भी जो है अब कम पड़ने लगे थे। मैंने जो है पार्टीशन के हिसाब से लगाए थे, तो जो हमारा जो जो बल्ड ग्रोथ कर रहा है वो ड्रिंकर और फीडर भी इनके हिसाब से कम हो रहे थे, तो जिसकी वजह से ये आज हम लोगों को लोगों ने मैनेजमेंट दिखाया आज का, ये जो है पार्टीशन ये इतना बढ़ा दिया है। और ड्रिंकर में जो है हम लोगों ने 9 ड्रिंकर लगे थे, आज 6 ड्रिंकर और बढ़ाए हैं, 15 ड्रिंकर कर दिए हैं। और फीडर जो है 9 फीडर लगे हैं अभी, लेकिन जो है 6 फीडर मैं और बढ़ाने वाला हूं, आज ही बढ़ा दूंगा अभी शाम तक। तो फ्रेंड, मोर्टलिटी की बात कर लें तो आज कोई मोर्टलिटी नहीं हुई है, बिल्कुल कल वही वाला जो हमारा चिक्स मरा था हीट स्ट्रोक से वही मरा था, आज कोई मोर्टलिटी नहीं है। और जो पानी की बात कर लें तो 3:30 बजे तक के आज शाम तक जो है वो सादा पानी चला था, जो सुबह 5 बजे लगाया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद आज ड्रिंकर हम लोगों ने बढ़ा दिए हैं। बढ़ाने के बाद जो थोड़ा सा मैंने वीडियो में बताया था पिछली वाली कि चिक चिक की आवाज़ बहुत गौर से सुनो तो सुनाई दे रही थी, तो जिसकी वजह से आज Z99 और गुड़ लगा दिए। उसकी मैं डोज आपको बता दूँ, 100 ml Z99 और 600 ग्राम गुड़, ये पर 1000 बल्ड के हिसाब से ये जो है ये डोज है, तो ये हम लोगों ने लगा दी है। और बाकी कल में भी यही हम लोग लगाएंगे दिन में सुबह में, और परसों से 2 दिन जो है अदरक और लहसुन जो है चलाने वाले हैं, जो कि थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो तो वो सही हो जाए, क्योंकि 21वां दिन भी जल्दी आने ही वाला है, और 21वें दिन से जब बर्ड एकदम से ग्रोथ करने लगता है तो CRD का कोई भरोसा नहीं है कि कब से जो है लग जाए, तो मैं सारा ट्रीटमेंट पहले ही कर लूँगा ताकि जो है कोई प्रॉब्लम CRD वगैरह वाली ना आए। ओके, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड फीड की। तो फीड में फ्रेंड आज हम लोगों ने इन्हें प्री स्टार्टर और स्टार्टर ये दोनों जो है मिला के जो है दिए हैं, मतलब कि जो प्री स्टार्टर था हमारा 70% प्री स्टार्टर मिलाया है और 30% स्टार्टर वो हम लोगों ने मिक्स करके दिया है। कल मैं 50-50 कर दूंगा, मतलब 50% प्री स्टार्टर और 50% स्टार्टर, फिर परसों से मैं पूरा स्टार्टर चलाने लगूंगा, क्योंकि एकदम से जो है फीड चेंज करने में जो है मुझे चेंज करना सही नहीं लग रहा था, इस वजह से मैंने इस हिसाब से 2 दिन में मैं इनका फीड धीरे धीरे करके चेंज कर दूंगा। ओके, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लीटर की। तो लीटर जो है ओवर क्राउडिंग थोड़ी सी मुझे लग रही थी, जिसकी वजह से आज मुझे पार्टीशन बढ़ाना पड़ा और ड्रिंकर फीडर भी कम हो रहे थे, इस वजह से बढ़ाना पड़ा, तो ओवर क्राउडिंग की वजह से थोड़ा सा लीटर मुझे लगा था गीला है। आप जैसा कि देख सकते हैं ये यहाँ पे मैंने चूना वगैरह डाला, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गीला था, और बाकी जो था वो लीटर सब हम लोगों ने चला दिया था। तो और फ्रेंड पर्दों की बात कर लें तो रात का टाइम है इस टाइम पर, आज जो है दिन में जो है पूरे पर्दे खुले हुए थे जैसा कि रोज़ खुलते हैं, और रात का टाइम है तो रात के टाइम की जो है जो मैनेजमेंट है, ये वाले जो आपको दिखा दूँ ये जो ब्लैक पर्दे थे, वैसे तो जब चिक्स हमारा 12वें 13वें दिन का था तो ये अंदर वाले भी पर्दे गिरा देते थे, ये आप देख सकते हैं ये अंदर से लगे हैं डबल पर्दे, ये वाले भी बंद कर देते थे हम लोग, और ये दोनों बुखारियाँ जला देते थे, लेकिन कल से हम लोग कर ये रहे हैं। कल वाले दिन ऐसा हुआ कि जो है सही टेम्परेचर था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बर्ड जिस तरीके से आज खेल रहा है ऐसे ही खेल रहा था हमारा बर्ड, तो कल हम लोगों ने ये वाले पर्दे भी नहीं गिराए थे, ये वाली बुखारी भी नहीं गिराई थी। तो आज भी देख लेते हैं आज क्या जो है सिस्टम बनना है, अगर जो है लगता है मुझे कि जो है ठीक ठाक जैसे अभी टेम्परेचर चल रहा है ऐसा ही अगर शाम तक रहता है रात तक, तो इंशाल्लाह मैं आज भी ये पर्दे या बुखारी वगैरह नहीं जलाऊंगा। ओके, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जो ये जो बर्ड जो है हमारा, तो ये बर्ड
मैं ये देख रहा था इनमें कि जो है थोड़ा सा पैरों वाली जो है दो बल्ड में जो है पैर पैर वाली जो है थोड़ी सी दिक्कत आई। मुझे लग रहा था या तो हो सकता ये बल्ड हैचरी से ही हमारे ऐसे में आए हों, या फिर जो है हो सकता हो गए हों। तो जो है विटामिन बी जो मैं लेके आया हूँ, तो ये थोड़ा सा इनका ट्रीटमेंट ये वाला कर लूँ, ये जो Z99 वाला चल रहा है। कल मैं इंशाल्लाह कल सुबह मैं एक बार Z99 और लगाऊंगा, जिसके बाद मैं इंशाल्लाह मैं ये सोच रहा हूँ कि विटामिन बी वगैरह चालू कर दूँ, जिससे जो दो बल्ड मुझे आज जो दिखे हैं तो वो दोबारा हो सकता है वो सही हो जाए। या तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो हैचरी से ही ऐसे जो है इसमें प्रॉब्लम थी फ़िलहाल जो है, क्योंकि शुरुआत में जो है एक बार मुझे एक बल्ड दिखा था थोड़ा सा पैरों से वो नाजुक लग रहा था, तो हो सकता है वो हैचरी से ही प्रॉब्लम हो। ओके तो बस फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ अहसान, आप देख रहे थे अहसान पोएट्री वर्ल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।